हेलो दोस्तों, मिथिला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं हमारे सुपौल जिला के लिए एक बहुत बड़ा खुशखबरी लेके आया हूँ। सुपौल रेलवे स्टेशन से जो है पटना के लिए ट्रेन के लिए मांग काफ़ी दिनों से उठ रही है। करीब 2 से 3 साल से जो है सुपौल से पटना के लिए मांग की जा रही है। अब जो है दोस्तों आखिरकार जो है एक ट्रेन मिला है, लेकिन ये ट्रेन भी जो है सिर्फ 4 दिनों के लिए है। ये जो है एक स्पेशल ट्रेन है जो कि चला जा रहा है सुपौल से लेकर पटना के बीच में। अभी आप सभी को पता होगा कि जैसे कि छठ पूजा जो है ख़त्म हुआ है, अब जो है दोस्तों यात्रियों की जो है काफ़ी ज़्यादा भीड़ बढ़ जाती है पटना जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए। तो उसी को सुविधा देखते हुए जो है सुपौल से पटना के लिए जो है एक नया ट्रेन जो है दिया गया है। आज की वीडियो में आप सभी को जो है उसी के बारे में पूरा जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि ये है ट्रेन नंबर 05551 और 05552। जो ट्रेन है 05551 वो चलने वाला है सुपौल से पटना के बीच में, और जो ट्रेन है 05552 वो चलने वाला है पटना से सुपौल के बीच में। तो आइए जानते हैं इन ट्रेनों के बारे में पूरी जानकारी। तो जो पहला ट्रेन है जो कि चलने वाला है सुपौल से लेकर पटना के बीच में, उसका जो है दोस्तों चलने का दिन रहने वाला है 23 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर और 27 नवंबर। यानी कि सिर्फ ये 4 ट्रिप करने वाला है ट्रेन सिर्फ 4 दिन के लिए। और जो दूसरा ट्रेन है जो कि चलने वाला है पटना से लेकर सुपौल के बीच में, वो चलने वाला है 23 नवंबर को, 25 को, 26 को और 27 को। यानी कि दोनों के डेट जो है सेम है और दोनों के ट्रिप भी जो है सेम है। और आगे करते हैं बात कि इनमें जो है कौन कौन से कोचेज रहने वाले हैं। इसमें आप सभी जो है जनरल कोचेज देखने को मिलेंगे। टोटल कोचेज जो है इस ट्रेन आप सभी जो है 13 कोचेज मिल जाएंगे। और इसमें जो है दोस्तों अब बात करते हैं कि इन ट्रेनों के जो है टाइम टेबल क्या रहने वाले हैं। तो इस ट्रेन का जो है टाइम रहने वाला है सुपौल से खुलने का सुबह में 9 बजे, उसके बाद जो है 9:30 पे पहुंच जाएगा ये सहरसा, उसके बाद जो है ये मानसी खगड़िया बेगूसराय के रास्ते जो है जाएगा पटना। और यहीं बात करते हैं पटना से सुपौल वाली ट्रेन के बारे में कि इसका क्या टाइम टेबल रहने वाला है। तो ये ट्रेन जो है शाम के करीब 4:15 जो है खुलेगी पटना से, उसके बाद जो है रात के करीब 9:50 पे पहुंच जाएगी ये ट्रेन सहरसा, उसके बाद जो है सहरसा से खुलेगी ये ट्रेन सुपौल के लिए, और 12:45 यानी कि 11:45 पे जो है इसका टाइम रहने वाला है सुपौल पहुंचने का। तो इस प्रकार के दोस्तों इस ट्रेन का जो है कुछ टाइम टेबल है। और ये ट्रेन जो है एक दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरी वाली मतलब ट्रेन में आता है। आज का तारीख जो है 22 नवंबर है और कल के ही दिन से जो है इस ट्रेन का जो है प्रचालन शुरू किया जाएगा। यही कल जो है 23 तारीख है, कल जो है 9 बजे पटना से खुलेगी ये ट्रेन। आप सभी को जो है मैं वीडियो दिखाने की कोशिश जरूर करूंगा कि कैसे जो है यहाँ से सुपौल से पटना के लिए पहली ट्रेन खुलने वाली है। ये एक पहली ट्रेन है जो कि सुपौल से पटना जाएगी, लेकिन वही बात है कि एक स्पेशल ट्रेन है सिर्फ 4 दिनों के लिए चलने वाली है, जो कि मतलब यहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए अच्छी बात नहीं है। वो लोग काफ़ी दिनों से मांग कर रहे हैं कि हमें जो है एक रोज़ाना ट्रेन चाहिए पटना के लिए, चाहे वो जनहित हो, राजरानी हो, किसी को जो है सुपौल तक एक्सटेंड किया जाए। लेकिन अभी तक जो है कोई ट्रेन एक्सटेंड नहीं हुआ है सुपौल तक। ये सिर्फ एक स्पेशल ट्रेन जो है वो 4 दिनों के लिए दिया गया है। यदि आप सभी को जो है इस ट्रेन के बारे में कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं आप सभी का रिप्लाई जरूर करूँगा। और मिलते हैं दोस्तों कल, अगर मुझे समय मिला तो आप सभी को जो है जरूर दिखाऊंगा इस ट्रेन का डिपार्चर सुपौल से पटना के लिए। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द हमारे एक और नए वीडियो पे एक और नए अपडेट साथ। आज की वीडियोस में आप सभी को जो है कैसा अपडेट चाहिए हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।